हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है? हम लोग जो खाना खाते हैं और जो सांस लेते हैं, ये हम लोग सेल का अंदर में इसका क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है और ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। इससे क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है। एटीपी कौन फॉर्म में रिलीज होता है? एटीपी में। अब अगर हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन जो है ये दो प्रोसेस का मतलब दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक मीन्स विथ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ अगर खाना मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक मीन्स कि जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऐसा अगर रेस्पिरेशन हो जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको कहेंगे हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन तीन गो स्टेप से होता है। क्या क्या? एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल और एक होता है ईटीसी मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइको एंड लाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सेल का साइटोप्लाज्म में होता है। अगर हम लोग इसको सेल माने, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये होगा हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। कहां? जहां सामने माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का सामने जो हम लोग साइटोप्लाज्म रहता है, यहाँ हम लोग ग्लाइकोलाइसिस होता है और इससे बनता है पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट। ये दोनों एक ही है, आइदर पाइरूविक एसिड बोलेंगे या पाइरूवेट बोलेंगे। मींस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ये क्या होगा, ये होगा हम लोग पाइरूविक एसिड और पाइरूवेट। इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। साइंटिस्ट एमडेन मेयरहॉफ एंड फारनेस बोल के तीनों साइंटिस्ट था, ये लोग पहले इसको इन्वेंट किया था, इसके लिए इसका नाम है ईएमपी पाथवे। दैट मींस ग्लाइकोलाइसिस का और एक नाम है ईएमपी पाथवे। और इसमें क्या होता है, 8 ATP हम लोग रिलीज होता है, 8 ATP रिलीज होता है। इसके बाद आता है हम लोग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है ये है एक साइक्लिक प्रोसेस, जो पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट है ये साइक्लिक प्रोसेस में घुसता है। इसके बाद यहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब कंटिन्यू ये साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा। और ये कहां होता है, सेल का अंदर में। सेल का अंदर कहां होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां जो बोले ना कि ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में होता है हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स होता है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर में। इसमें हम लोग ऑक्सीजन लगता है और इसमें हम लोग कितना 30 ATP एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ हुआ 8 और यहाँ हुआ 30, टोटल हो गया 38। इसका और एक नाम है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल। क्यों कहते हैं हम लोग, इसमें फर्स्ट जो सब्सटेंस बनता है ये फर्स्ट सब्सटेंस का हम लोग कहते हैं साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड जो फर्स्ट हम लोग का सब्सटेंस है ये क्रेब्स साइकिल्स में, इसका फर्स्ट, फिर से बोल रहे, इसका जो फर्स्ट सब्सटेंस बनता है इसका नाम है साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड में तीन गो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है, तो साइट्रिक एसिड फर्स्ट बनता है, इसीलिए इसका और एक नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड फर्स्ट बना इसलिए इसका और एक नाम क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल। और इसमें क्या होता है, जो साइट्रिक एसिड है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, तीन गो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, इसीलिए इसका और एक नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये साइंटिस्ट क्रेब्स देखा था इसलिए इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। असली क्रेब्स देखा था इसके लिए इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो इसका क्या क्या नाम हुआ, एक हो गया क्रेब्स साइकिल्स और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स और साइट्रिक एसिड साइकिल। ये साइंटिस्ट देखा था इसके लिए इसका नाम है क्रेब्स साइकिल्स। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि तीन गो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फर्स्ट जो सब्सटेंस था ये साइट्रिक एसिड जिसका तीन गो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसीलिए ये तीनों का नाम है क्रेब्स। एक ही जो रिएक्शन है इसका नाम है क्रेब्स साइकिल और टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल।
तो ये कहाँ होता है, ये होता है हम लोग सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब सेल का अंदर में होता है ये। और एक क्या नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अगर हम लोग उसके बाद देखें तो देखेंगे क्या कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब टूटता है मतलब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटेगा इससे पाइरूवेट बनेगा, और ये पाइरूवेट जब टूटेगा क्रेब साइकिल से इसे CO2 हाइड्रोजन और ATP हीट का फॉर्म में निकलेगा। हम अभी जो बात कर रहे हैं, अभी जो ये इसका बारे में हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो एनर्जी मेरा रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, हम जो फूड खाए थे, जैसे हम लोग खाए थे ये हम लोग इसोफेगस मुंह से दिया, हम लोग बैकल कैविटी से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बिली, फिर वहां से ब्लड, ब्लड से चला गया हम लोग पूरा होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट मीन सेल में गया, और इसके बाद हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये सांस हम लोग गया कहाँ, लंग्स में, फिर लंग्स से चला गया हम लोग ब्लड में, फिर ब्लड से हार्ट, हार्ट होते हुए पूरा बॉडी में गया। और ये जो बॉडी में हम लोग पूरा बॉडी में जो ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन और ये जो फूड मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज इसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से बना पाइरूवेट ग्लाइकोलाइसिस में मतलब साइटोप्लाज्म में, उसके बाद यहाँ से CO2 हीट और वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें 50 kJ/mol, एक मोल अगर हम लोग देखेंगे तो एक मोल से हम लोग 30.5 kJ रिलीज होता है एनर्जी। क्या होता है ATP जो है, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में जानते हैं कि ADP से ATP बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जस्ट इसका उल्टा होता है, ATP से ADP बनता है, इसमें जो PI रिलीज होता है ना, ADP प्लस PI, ये PI एनर्जी, और ये एनर्जी है इसका अमाउंट कितना बोले, पर मोल में हम लोग 30.5 kJ रिलीज होता है। इसके बाद होगी हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का विदाउट एयर एन एरोबिक मीन्स नॉन एरोबिक, एरोबिक मतलब होता है एयर, और एन एरोबिक मीन्स नॉन मीन्स नॉट प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर का एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा इसको कहेंगे एन एरोबिक। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और इसमें एल्कोहल बनेगा और ATP रिलीज होगा। इसमें जैसे हम लोग देखे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग कितना ATP रिलीज होता है, 38 ATP, इसमें लेकिन 2 ATP रिलीज होगा। इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने से इसका बनता है 2C2H5OH मींस इथाइल एल्कोहल बनता है, और आइदर इथाइल एल्कोहल बनेगा नहीं तो लैक्टिक एसिड बनेगा। जैसे हम लोग मसल सेल, अगर हम लोग कंटिन्यूस, अगर हम 2-3 महीना खेले नहीं, उसके बाद 1 दिन खेलने लिए 4-5 ओवर बॉल किए, तो मेरा मसल्स में क्रम्पिंग हो जाएगा, मतलब दर्द हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम मेरा जो मसल्स है इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन हम कंटिन्यूस में मतलब इसमें रेस्पिरेशन हुआ, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड हम लोग मसल्स में जमा हो तो हम लोग मसल्स में दर्द होता है, इसको कहते हैं मसल्स क्रम्पिंग और मसल्स क्रम्प्स। इसको अगर हम लोग रेस्ट करें या हम लोग थोड़ा सा गर्म किया हुआ पानी को अगर उसको उससे अगर उसको अच्छे से सेक ले तो वो क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड है ये फिर इसका फिर अच्छा से ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होगा और ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो इसके इसलिए हम लोग क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है ये है रेस्पिरेशन। फिर से एक बार बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन एरोबिक एनएरोबिक। एरोबिक का 3 गो है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकल्स और ETC। ETC मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेयर रहता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है, इसलिए इसको ये चेन का जैसा होता है, इसको चेन के लिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फिर बोले कि टोटल हम लोग कितना, 38 ATP बनेगा, इसमें पार जो मोल से इससे 30.5 kJ एनर्जी रिलीज होगा, और ये क्या होगा, ATP से ADP बनेगा, जस्ट फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट। इसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम अभी बोले कि ग्लूकोज से अल्कोहल बनेगा और ATP रिलीज होगा, लेकिन इसमें बहुत कम अमाउंट का होगा, ये 2 ATP होगा, और इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अगर फिर से बोल रहे हैं कि अगर लैक्टिक एसिड हम लोग बॉडी में जमा हो, मसल्स में जमा हो, तो मसल्स क्रम्प होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दूसरा दिन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।
फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल।